नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं योहिम बिनम के बारे में। दोस्तों एक वृक्ष होता है जिसका नाम है कोरिनान्थे योहिम्बे। इसी के बार्क से, इसी के छाल से होम्योपैथी में बनता है योहिम बिनम मदर टिंचर। दोस्तों मुख्य रूप से यह पुरुषों के सेक्सुअल ऑर्गेन के लिए बहुत ही लाभकारी दवा है। यह इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी दवा है और दोस्तों यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मजबूती के लिए भी एक बेहतरीन दवा है। मुख्य रूप से दोस्तों जो पुरुषों में प्रियापिज्म के जो लक्षण होते हैं, जो पेनफुल इरेक्शन होता है पेनिस का, उसमें ये बहुत ही लाभकारी दवा है। यह दवा अगर फिजियोलॉजिकल डोजेज में लिया जाए तो दोस्तों यह आपको सेक्सुअल एक्साइटमेंट प्रदान करता है। दोस्तों यह पुरुषों के पेनिस में इरेक्शन लाने की एक बेहतरीन दवा है और इस तरह से यह पुरुषों की नपुंसकता को दूर कर देता है। दोस्तों आइए जानते हैं थोड़ा सा विस्तार से हम योहिम बिनम को, जो कि होम्योपैथी में मुख्य रूप से एक सेक्सुअल ऑर्गेन की शिथिलता को दूर करने की एक महत्वपूर्ण दवा है। दोस्तों इसका जो हेड सिम्टम्स है वो है कि हेडेक होगा, जिसमें कि उसके चेहरे पर हीट महसूस होता है और बराबर सरदर्द बना रहता है। वैसे रोगी के लिए योहिम बिनम अति महत्वपूर्ण दवा है। दोस्तों मुँह में हमेशा मेटेलिक टेस्ट रहता है, किसी मेटल का स्वाद उनको लगता रहता है और दोस्तों बराबर उनको सेलिवेशन होता रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लार उनके मुँह में आता रहता है और नौसिया की भी टेंडेंसी उनमें रहती है, वोमिटिंग टेंडेंसी रहती है। दोस्तों यह दवा ब्लीडिंग पाइल्स के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, जहाँ पर खून आते हैं और कई बार इंटेस्टाइनल हेमरहेज के केसेस में योहिम बिनम बहुत ही लाभकारी पाया गया है। दोस्तों मेल में यह स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग इरेक्शंस के लिए जाना जाता है। मुख्य रूप से पुरुषों की नपुंसकता की होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन अगर आपको दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आपका लिंग में तनाव नहीं है, तो दोस्तों अगर आप योहिम बिनम का अधिक मात्रा में, मैं आपको डोज बताऊंगा, अगर आप लगातार सेवन करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है और आप सेक्सुअल एक्ट में लंबे समय तक टिके रहते हैं, इसलिए यह दवा बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों यह लास्टिंग इरेक्शन की एक महत्वपूर्ण दवा है होम्योपैथी में। वैसे व्यक्ति जिनमें इम्पोटेंसी है, जो नपुंसकता के शिकार हो गए हैं और दोस्तों वो नर्वस इरेक्टिबिलिटी उनमें देखने को मिलता है, आप देखेंगे कि उनमें एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, वैसे में ये दवा बहुत ही अच्छा लाभ करता है। या दोस्तों आपके यूरेथ्रा में जो पेशाब की नली होती है उसमें अगर सूजन आ जाए तो उसमें भी ये दवा लाभकारी है। या प्रियापिज्म में भी बहुत ही लाभकारी है, जबकि पुरुषों में जो इरेक्शन आता है, जब उनके लिंग में तनाव आते हैं तो बड़ा ही दर्द युक्त तनाव होता है लिंग में, तो वहाँ पर ये दवा अच्छा लाभ करता है। दोस्तों आइए जानते हैं अब स्लीप के बारे में। रोगी को नींद बहुत कम आती है, स्लीपलेस नाइट्स होता है उनका, वो रात रात भर जगे रह जाते हैं। दोस्तों उनके भूत में जितनी भी घटनाएं घटी होती हैं उसी का वो बार बार उनके मन में विचार आता रहता है, इस तरह से वो रात भर जगे रह जाते हैं। ये योहिम बिनम पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए उनमें नर्वस इरेक्टिबिलिटी भी देखने को मिलता है। दोस्तों यह दवा मुख्य रूप से पुरुषों के लिए एक बेहद ही कारगर दवा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके डोज को। आपको जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट की ज़रूरत हो तो दोस्तों वहाँ पर आप इसे 30-30 बूंद 4 चम्मच पानी में मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम 3 बार, खाना खाने के 15 मिनट के बाद आप इसका नियमित सेवन करेंगे तो आपको लाभ होगा। दोस्तों वैसे आप इसका मदर टिंचर को 15-15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ले सकते हैं। जब आप इसको लंबे समय तक लेंगे तो आपको लाभ दिख जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।